हेलो मेडिकोज, वेलकम टू नेक्स्ट मेडिको एमबीबीएस क्लासेस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शुरू करेंगे, सीएनएस को देखेंगे हम। लेकिन सीएनएस को पढ़ने के पहले हमें नर्व की फिजियोलॉजी को बेहतर प्रकार समझना जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर को समझते हों, उसकी फिजियोलॉजी को समझते हों, देन उसके बाद हम जो है सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स पर ब्रेन पर आगे बात करेंगे। जैसा कि मुझे मालूम है कि एनाटॉमी में आप जो है वो हेड नेक एंड ब्रेन के दौरान आप जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को भी आप समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। हम फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारा फोकस रहेगा कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, नर्व कंडक्शन कैसे होता है, इफरेंट नर्व क्या होते हैं, एफरेंट नर्व क्या होते हैं, किस तरह के जो नर्व होते हैं उनका सप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है, ये आप एनाटॉमी के अंदर देखेंगे। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि वो नर्व जो है वो किस प्रकार से सप्लाई को मेंटेन करते हैं, किस तरह के रिसेप्टर्स ये होते हैं, किस प्रकार के जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं, उन सभी चीजों को हम जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज के जो पहले लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर, बात करेंगे कि हमारी नर्व्स क्या होती है, किस तरह की सेल्स होती हैं, और हमारे नर्व्स के साथ में एसोसिएटेड सेल जो है वो किस तरह की होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक कॉन्सेप्ट को हम लेकर जाएंगे। आपके जैसा हम सब जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इट इज लाइक द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का अपना एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। के दीज आर द सेंटर्स जहां पर कि डिसीजंस लिए जाते हैं। के यानी ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये डिसाइडिंग बॉडीज होती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये ब्रेन से वेरी वेल कनेक्टेड होता है ये, और जो हमारा जो हायर सेंटर है, हम बोलते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि जो भी सप्लाई जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, पूरी बॉडी को जो सप्लाई होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है दो प्रकार से नर्व होती है, एक जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर आती है और दूसरी वो जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस से लेकर बाहर जाती है, एफरेंट नर्व एंड द इफरेंट नर्व। के ठीक है, आने वाला एफरेंट नर्व है, जाने वाला, एग्जिट करने वाला इफरेंट नर्व होता है। क्लियर? देन आप एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात भी दिमाग में रखिएगा कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा किस समय डेवलप होता है। याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम जो है वो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लाइफ में इट डेवलप्स इन द थर्ड वीक ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लाइफ फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो दिस द जर्माइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोडर्म से ये जर्मिनेट होता है। ठीक है, क्लियर? देन इसका जो कंप्लीट जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये आपके एनाटॉमी के अंदर होता है, तो उस पर हम अभी डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे। हमके जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 10^11 न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको हम तकरीबन बोल सकते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। के और क्या ये सबसे अधिक मिलने वाली सेल्स? नहीं, इसके अलावा आपके ब्रेन में इसकी तुलना में 10 से लेकर 50 times मोर नंबर होता है ग्लियल सेल्स का, एंड द ग्लियल सेल्स आर वेरी important cells present in the CNS. They are not important for the conduction of message. ये उसमें उतना important role play नहीं करती है. They play important role to maintain the neurons. Neurons के maintenance में ये बड़ा important role play करती है. They are like the glue cells. तो अब हम बात करते हैं, जब कहते हैं हम कि द सीएनएस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट 40% ऑफ ह्यूमन जीन्स पार्टिसिपेट एट लीस्ट टू ए डिग्री इन इट्स फॉर्मेशन। के मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए, उसकी सेल्स को बनाए रखने के लिए, उसकी सेल्स को मेंटेन करने के लिए आपके जीन्स के 40% जीन्स जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी ना किसी स्तर पर, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाए रखते हैं। याद रखिएगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सबसे बड़ी बात है कि वो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए सीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे आप कहते हो किडनी में नेफ्रॉन होता है, लिवर में हिपेटोसाइट होता है, वैसे ही हम कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। एंड दे आर इवॉल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव न्यूरो इफेक्टर सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई बाय कॉन्टैक्टिंग। दरअसल में ऐसा कहा जाता है कि एनिमल किंगडम में जो न्यूरॉन्स का जो इवोल्यूशन हुआ, जो उसका जैव विकास हुआ है, वो बेसिकली न्यूरो इफेक्टर सेल्स हुआ है। सबसे पहले जो
प्रोलिफेरेंस थे, जो सिंपल सेल्स के क्लस्टर वाले जीव थे उनके अंदर न्यूरो नर्व सेल्स नहीं थी, लेकिन सेलेंटेट जैसे से मल्टीसेल्ड कंडीशन को अडॉप्ट किया गया, वैसे वैसे जो है बेटर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हुई और उस बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरॉन को इवॉल्व करना होना पड़ा। इन मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स द कॉन्ट्रेक्शन हैज बिकम द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ मसल सेल्स, वेयर एज इंटीग्रेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स हैज बिकम मोर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। के क्या था, जैसे इनिशियली जो आप यदि आप नॉन कॉर्टेक्स की बात करें तो उनमें धीमे 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 इस तरह की सेल्स इवॉल्व होती चली गई जो बेसिकली जो नर्व जो जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी करती थी, साथ में वो एक्ट भी करती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो नाउ वी हैव सेपरेट मस्कुलर सेल्स एंड द सेपरेट द न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन है, जो इफेक्टर ऑर्गन जो काम करता है, जहां मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन यहां पर इन्वॉल्व होता है, वहां मसल्स प्रेजेंट है और उसके लिए जो इंटीग्रेशन करने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन सारे मूवमेंट्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में करने के लिए नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ। क्लियर? एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। व्हाट वी आर डूइंग कि हम चीजों को पहले कलेक्ट कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाट आर दी सेलुलर एलिमेंट्स इन द सीएनएस, तो नंबर एक बार हम बात करें न्यूरॉन्स पर, तो हम बात करेंगे कि हम पूरी इसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे, यहाँ पे कैसे काम करता वो भी देखेंगे हम, क्या उसमें जो है वो आयन रोल प्ले करते वो भी देखेंगे हम उसमें, ठीक है, एंड कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइज मेम्ब्रेन डीपोलराइज मेम्ब्रेन, एवरीथिंग जो है उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं ग्लियल सेल्स की। द ग्लियल सेल्स और ग्लिया जो होते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि दे आर बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर द सीएनएस कनेक्टिव टिश्यू। और द वर्ड ग्लिया मींस द ग्लू, ये चूंकि न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ के उसे क्लस्टर बनने में हेल्प करते हैं, ब्रेन की सेल्स को जो है वो अपनी जगह पर मेंटेन रखने में रोल प्ले करते हैं, ये बियर एंड टीयर को मेंटेन करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक प्रकार से ऐसे यूनिट होते हैं जो हम कह सकते हैं जो जैसे आप देखते हैं कि एक पजल को हम जोड़ने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ब्लॉक्स के समान होता है। However, today these cells are recognized for their role in communication within the CNS in partnership with neurons. आज कुछ latest research, जैसे इज़राइल में एक research हुआ, मालूम चला हमें कि there are some glial cells जो neurons के बीच में भी information को pass कर सकती है। हालांकि बहुत अधिक इसके जो हमको जो है वो evidences नहीं मिलते हैं, पर अभी भी brain के बारे में हम काफी कम जानते हैं। Then आप देखिए, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि देयर आर द न्यूरॉन्स, कि हम देख रहे हैं ये येलोइश मार्क में हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमें येलो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या, ये है, ये आपके ये न्यूरॉन, दीज आर द न्यूरॉन्स, ठीक है ना। और फिर आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स से कनेक्टेड हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है यहां पर कि दीज आर द स्वान सेल्स, ये स्वान सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स है, एपेंडाइमल सेल्स है, एस्ट्रोसाइट सेल है जो स्टार के समान दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये दीज ऑल आर टाइप के, जैसे स्वान सेल्स की बात करें हम, ऑलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें हम, माइक्रोग्लियल सेल्स की बात करें हम, एपेंडाइमल सेल्स की बात करें हम, एस्ट्रोसाइट की बात करें, दीज ऑल आर द ग्लियल सेल्स, ओके, ठीक है। तो अनलाइक न्यूरॉन, यदि आप न्यूरॉन से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है एंड न्यूरॉन्स लैक द कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड न्यूरॉन्स में डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती है, बट द ग्लियल सेल्स कैन अंडरगो कंटिन्यू टू अंडरगो सेल डिवीजन, ये डिवाइड कर सकती हैं इन एडल्टहुड, व्यक्ति के वयस्क होने के बाद ये डिवाइड कर सकती हैं, ये अपने आप को प्रोलिफिकेट कर सकती हैं। तो ऐसा देखा गया है जिन लोगों को कभी ब्रेन इंजरी होता है ड्यू टू स्ट्रोक एंड एक्सीडेंट, वहां पर जो है वो ब्रेन टिश्यू को रिपेयर करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ग्लियल सेल्स जो ब्रेन की होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट जो ग्लियल सेल्स है, दे कैन डिवाइड बट द न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। क्लियर? एंड देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स इन द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के दो प्रकार की ग्लियल सेल आपको वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम में देखने मिलती है, वन इज द माइक्रोग्लिया, अनदर इज द मैक्रोग्लिया। रिमेंबर दैट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रोग्लिया जो होते हैं दे आर दी स्केवेंजर सेल्स, दे आर दी स्केवेंजर सेल्स होते हैं, ये एक प्रकार के हम समझ लेते हैं कि ये इम्यून जो है एक प्रकार से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दैट रिजेंबल द टिश्यू मैक्रोफेज, जो टिश्यू मैक्रोफेज के समान होते हैं और ये इन्फेक्शन से लड़ने में, इंजुरीज से लड़ने में और कई तरह की बीमारियों से, डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, एड्स रिलेटेड डिमेंशिया हुआ, पार्किंसंस डिजीज हुआ, अल्जाइमर डिजीज हुआ, तो उसके उस उन बीमारियों में भी ये काफी हद तक जो है बीमारियों के जो सेलुलर डिफॉल्ट्स होते हैं उनको वो उनको डाइजेस्ट करती है, हटाने में रोल प्ले करती है, ठीक है। हालांकि दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी अबाउट द पार्किंसंस डिजीज एंड द अल्जाइमर डिजीज की कैसे होता है, तो उसमें इतना हमें दिमाग में रखना है कि ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स एक प्रकार से ये वो सेल्स हैं जो इन चीजों के कारण जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं उनको हटाने में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली स्केवेंजर सेल्स, डिफेक्टेड सेल्स को ये डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। द माइक्रोग्लिया अराइज फ्रॉम द मैक्रोफेजेस आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, क्लियर। कैसे हुआ एंड माइक्रोग्लिया का अराइज कैसे होते हैं, ये मैक्रोफेज से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एंड आर फिजियोलॉजिकली एंड एमोलॉजिकली अनरिलेटेड टू द अदर न्यूरल सेल टाइप। दूसरे न्यूरल सेल टाइप की हम बात करें, जैसे हम मैक्रोग्लिया से कंपेयर करें, इसको हम न्यूरॉन से कंपेयर करें, तो दे आर नॉट, यदि हम इसको फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो माइक्रोग्लिया आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मैक्रोग्लिया एंड द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो माइक्रोग्लिया के बारे में चलिए हम एक जो है वो शॉर्ट में निकालते हैं, क्या पॉइंट सामने आया हमारे, दीज आर द मैक्रोफेज ऑफ द सीएनएस एंड दे आर इन्वॉल्व इन द न्यूरो इन्फ्लेमेशन एंड द ब्रेन इंजुरी रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होती है, वहां पर ये रोल प्ले करती है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस एंड द न्यूरोटॉक्सिक फैक्टर्स, के दे हैव द रिसेप्टर्स फॉर द मेटाबॉलिक हार्मोन्स एंड द सेक्स स्टेरॉइड, उसके लिए रिसेप्टर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। एंड नाउ कम टू दी मैक्रोग्लिया, अब चलिए मैक्रोग्लिया पे आते हैं। तो मैक्रोग्लिया को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया यहां पे हमने, एक तो हमने बोला ओलिगोडेंड्रोसाइट, नाम से स्पष्ट है कि उसमें आपको कुछ डेंड्रॉन्स मतलब कुछ उभरे हुए हिस्से जो आपको लंबे लंबे उभरे हिस्से दिखाई पड़ेंगे जो हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, और संख्या में दो से अधिक होंगे, दस से कम होंगे तो हमने ओलिगो वर्ड लगाया, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। देन दी स्वान सेल्स होती है, देन एस्ट्रोसाइट जो स्टार शेप होती है वो दिखाई पड़ती है। स्वान सेल के बारे में याद रखना है कि स्वान सेल नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी होती हैं और माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी होती हैं। फर्क इतना सा होता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये जो है न्यूरॉन को कवर करके, उसके एक्सॉन को कवर करके ये माइलिन शीट को बनाने में रोल प्ले करती हैं, क्लियर, ठीक है। देन आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज में ओलिगो डेंड्रोसाइट, तो आप देख सकते हैं दीज आर दी ओलिगो डेंड्रोसाइट, दिस इज दी ओलिगो डेंड्रोसाइट, ठीक है। दिस इज दी पेरिन्यूरल ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड दिस इज दी ओलिगोडेंड्रोसाइट इन दी व्हाइट मैटर, के समझते ना व्हाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होता है, जहां पर आपके साइटोन इकट्ठे होते हैं बड़े अमाउंट में वो ग्रे मैटर कहलाता है, जहां पर एक्सॉन इकट्ठे होते हैं वो व्हाइट मैटर कहलाता है। साइटोन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, रिसीव करता है, और एक्सॉन जो होता है इंफॉर्मेशन को जो है वो लेकर जाता है आगे इफेक्टर ऑर्गन की ओर, नेक्स्ट न्यूरोन की ओर, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा कि जो यदि हम अपने ब्रेन को कंपेयर करें, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कंपेयर करें, तो ब्रेन में व्हाइट मैटर बाहर तरफ होता है और ग्रे मैटर जो ग्रे मैटर उन्हें उल्टा बोलते हैं, ग्रे मैटर बाहर तरफ होता है, व्हाइट मैटर अंदर तरफ होता है ब्रेन में, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है ग्रे मैटर अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर तरफ होता है उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे इस स्ट्रक्चर पर भी हम, फिर हम देखते हैं आगे स्वान सेल दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्वान सेल जो होते हैं, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें ये एक प्रकार से कवर शीट बनाते हैं, कवर कवरिंग बनाते हैं और उसे जो है मल्टीपल लेयर में उसको कवर करते हैं, लेयर्स ऑफ माइलिन कहते हैं, और ये स्वान सेल से के मॉडिफिकेशन से ये बना होता है, क्लियर, ठीक है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी स्वान सेल होती है लेकिन वो माइलिन शीथ में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करती है। जब दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होते हैं उन्हें हम नोड्स ऑफ रेनबर कहते हैं, याद रखना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, क्लियर। देन द एस्ट्रोसाइट जो हमें स्टार के समान दिखाई पड़ रहा है, जो हमें सितारे के समान दिखाई पड़ रहा है, स्टार के समान दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द एस्ट्रोसाइट्स, क्लियर।
Then oligodendrocyte and Schwann cells are involved in myelin formation around the axon in the CNS. याद रखना, myelin sheath जो है वो dendrites के चारों तरफ नहीं होती है, cytosol के चारों तरफ नहीं होती है, तो peripheral nervous system में और Schwann cell में जो myelin sheath बनी होती है उसमें थोड़ा सा फर्क है कि oligodendrocyte they form myelin sheath in the CNS and the Schwann cell form myelin sheath in the peripheral nervous system. Please remember this point. ठीक है? And astrocyte which are found throughout the brain are of two subtype. Astrocyte के दो subtype होते हैं. एक होता है fibrous astrocyte होता है, दूसरा protoplasmic astrocyte होता है. जो fibrous astrocyte होता है, they which contain the many intermediate filament and are found primarily in the white matter. जो आपका fibrous astrocyte का primarily white matter में देखने मिलता है, जबकि protoplasmic astrocyte are found in grey matter. ये कहाँ देखने मिलते हैं? Grey matter में. मतलब astrocyte की दो category होती है, एक fibrous astrocyte जो आपको white matter में देखने मिलेगा, दूसरा protoplasmic astrocyte जो आपको grey matter में देखने मिलेगा. क्लियर? बोथ टाइप, चाहे वो चाहे आपका जो है वो फाइब्रस हो चाहे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट हो, बोथ टाइप्स एंड प्रोसेसेस टू द ब्लड वेसल्स के. अब ये जो एस्ट्रोसाइट होते हैं इनके जो इनसे कुछ चूंकि स्टार के समान है मतलब मल्टीपल हिस्से के बाहर उभरे होते हैं इनके, और इन उभरे हिस्सों को ये कहां भेजते हैं? ब्लड वेसल में भेजते हैं, कैपिलरी तक पहुंचते हैं ये, और वहां पर जाके पहुंचते हैं. एंड वेयर दे इंड्यूस कैपिलरीज टू फॉर्म टाइट जंक्शंस मेकिंग अप द ब्लड ब्रेन बैरियर के. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसे बनाने में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्या करते हैं ये वहां तक जो है वो अपने प्रोसेस को भेजते हैं, कैपिलरी को इंड्यूस करते हैं, वहां पे टाइट जंक्शंस को बनाते हैं. कैपिलरीज और एस्ट्रोसाइट के बीच में टाइट जंक्शंस बनते हैं, कैपिलरीज और एस्ट्रोसाइट के बीच में टाइट जंक्शन बनते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाता है. और आपको पता होना चाहिए ब्लड ब्रेन बैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन, कई दवाएं ऐसी होती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं. क्लियर? और ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ब्रेन के लिए, ताकि कोई भी टॉक्सिक केमिकल ब्रेन तक इतनी आसानी से ना पहुंच सके. दे ऑल्सो सेंड प्रोसेस एंड दैट इन्वेलप सिनेप्स एंड सरफेस ऑफ द नर्व सेल. प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रॉइड जो होते हैं, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए यहां पे जो अभी आपको मैंने बताया ना कि इसराइल में एक ब्रेन के ऊपर एक रिसर्च हुआ, उसमें मालूम चला कि सम ग्लियल सेल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंडक्शन मैकेनिस्ट के. तो वो एक्चुअली कहां से पॉइंट इसका निकल के आया, वो पॉइंट ये है कि प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रॉइड हैव ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट वेरीज विद द एक्सटर्नल पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बट डू नॉट जनरेट प्रोपेगेटेड पोटेंशियल. की देखिए मतलब ये कि जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रॉइड जो ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट है उनमें भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने की क्षमता होती है, बाहर के पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन से वो स्टिम्युलेट होकर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं. पर फर्क इस बात का है कि न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन पोटेंशियल दे कैन प्रोपेगेट, वो आगे बढ़ सकता है, वो आगे ट्रांसमिट हो सकता है करंट के रूप में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाता है. ठीक है? क्या तरीका है इसका, क्यों ऐसा होता है? देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, वो क्वेश्चन कई साइंटिस्ट के दिमाग में ऑलरेडी हैं, पर अभी तक प्रॉपर आंसर हमें कुछ नहीं मिला है. ओके, दे प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट आर ट्रॉपिक टू न्यूरॉन्स के, ये कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूरॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जोड़े रखने में भी रोल प्ले करते हैं. एंड दे हेल्प मेंटेन द एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर. ये इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रॉइड होते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं कि ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन और न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को भी बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं. स्पेशली पोटेशियम आयन के इस कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, ग्लूटामेट की बात करें, हम के जो गामा अमीनो ब्यूटायरेट की बात करें, गाबा की बात करें, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को भी सीएनएस से बनाए रखने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रॉइड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? Now, अब इसका हम एक समरी में इसका पॉइंट देते हैं कि क्या देखा इसमें हमने, क्या ऐसे पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए. एस्ट्रॉइड आर द मोस्ट एबंडेंट ग्लियल सेल टाइप इन द ब्रेन. ब्रेन के अंदर सबसे अधिक मिलने वाला जो ग्लियल सेल टाइप है वो एस्ट्रॉइड है. एंड दे प्रोवाइड द न्यूरल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड देयर स्ट्रेटेजिक पोजिशन टू सेंस द न्यूट्रिशन स्टेटस एंड प्रोवाइड ब्लड बॉर्न न्यूट्रिएंट टू न्यूरॉन्स के. एंड एक खास बात यह होता है कि एस्ट्रॉइड जो है वो जो न्यूरॉन्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको भी एड्रेस करते हैं, ये साथ में ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में भी रोल प्ले करते हैं, और जो भी न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका ध्यान एस्ट्रोसाइट्स रखते हैं.
एंड दे इन्वॉल्व ऑल्सो इन द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन टू कीटोन्स के व्हेन जब जब किसी कारण से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का सामना करना पड़ता है वहां पर एस्ट्रॉइड जो है फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं और ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करने में भी रोल प्ले करते हैं. रिसेप्टर्स फॉर मेटाबॉलिक हार्मोन सेक्स एस्ट्रॉइड उसके रिसेप्टर भी एस्ट्रॉइड के पास में होते हैं. साइटोकाइन के प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करते हैं. साइटोकाइन्स आर इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम. तो ये भी दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द माइक्रोग्लियल सेल्स बट दे प्ले रोल इन द साइटोकाइन प्रोडक्शन के अप टू ए लिमिट. क्लियर. चलिए तो इसका मतलब ये हो गया कि हम समझ गए बात को. द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम क्या होती है. क्लियर कर दूं बेटा मैं आपको कि हम जिस टेक्स्ट बुक को यहां पर आधार बनाकर सब कुछ पढ़ रहे हैं वो हमारा है विलियम एफ गैनॉन के. वी आर यूजिंग द बेस्ट टेक्स्ट बुक. सबसे बेस्ट बुक जो मेडिकल साइंस का है मेडिकल फिजियोलॉजी के लिए है विलियम एफ गैनॉन. हम उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो कोई भी इफ एंड बट कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यदि कोई डाउट है तो प्लीज रिफर दी गैनॉन. क्यों मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा तो मैं आपको जो है वो आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. चलिए तो प्रिंसिपल टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स नर्वस सिस्टम में क्या है. मैंने कहा ओलिगोडेंड्रोसाइट स्मॉल विथ रिलेटिवली फ्यू प्रोसेस होते हैं संख्या में कम होते हैं. मैंने कहा ना 2 से अधिक 10 से कम होते हैं प्रोसेस में. ओलिगोडेंड्रोसाइट बोला हमने. दोज इन विच व्हाइट मैटर प्रोवाइड माइलिन एंड दोज इन ग्रे मैटर सपोर्ट न्यूरॉन. के जो व्हाइट मैटर में होती है वो माइलिन को प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है और जो ग्रे मैटर में होती है वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है. स्वान सेल प्रोवाइड माइलिन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. के देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है माइलिन शीथ बनाती है सीएनएस के अंदर. ठीक है. और स्वान सेल जो है माइलिन शीथ बनाती है पीएनएस के अंदर. ठीक है. तो ईच सेल फॉर्म ए सेगमेंट ऑफ माइलिन शीथ अबाउट 1 mm लॉन्ग. के द शीथ एज्यूम्स इट्स फॉर्म एस इनर टंग ऑफ द स्वान सेल टर्न अराउंड द एक्सॉन. के ये क्या होता है जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक्सॉन है और इस एक्सॉन के चारों तरफ ये अपने आप को ऐसे जो है वो आप चारों तरफ अपने आप को जो है एक सेकेंड ये ठीक है. चाहिए एक्सॉन के चारों तरफ अपने आप को कवर करने में जो है वो जैसे मैंने कहा ये एक एक्सॉन है तो इसके चारों तरफ अपने आप को शीट के रूप में कवर करने में ऐसे ऐसे कवर करके इसको ये चारों दिशाओं तरफ से कवर करें. जैसे आप होता ना एक आप जब अपना पेन लीजिए और उस पर पेपर को चारों तरफ से लपेट दीजिए आपके वैसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को ये बनाता है. ठीक है. ठीक. और एस्ट्रॉइड आर द मोस्ट कॉमन गिलिया इन द सीएनएस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द देयर स्टार लाइक शेप. दे कॉन्टेक्ट बोथ कैपिलरीज एंड न्यूरॉन एंड थॉट टू हैव न्यूट्रिटिव फंक्शन. एंड मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द एस्ट्रॉइड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन. क्लियर. चलिए नाउ कम टू दी न्यूरॉन. अब हम जो है नेक्स्ट देखिए अभी छोटे छोटे हिस्से में लेक्चर चुकी है. ये हमारा नया एप्लीकेशन है दैट इज मैक मेडिको जिससे कि आपके लिए कभी भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सके इसमें. तो दिस इज ए वेरी गुड एप्लीकेशन मैक मेडिको. यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड लेक्चर बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन एंड शेयर विथ योर कलीग्स ऑल्सो. और जो लेक्चर आपको लगता है आप देखिए कहने का मतलब ये कि जो भी लेक्चर अभी फिलहाल आपको मेडिकल के हम रिकॉर्ड जो कर रहे हैं मैक मेडिको के थ्रू रिकॉर्ड कर रही है दैट इज द न्यू एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट मेडिको वेंचर. तो पर्पस ये है हमारा कि हम सब लोग साथ में सीखें साथ में कोलैबोरेट करें एक दूसरे को नॉलेज हम जो है वो एक्सचेंज भी नॉलेज करें हम एक दूसरे को हम नॉलेज जो है वो शेयर भी कर सकें. तो बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे से उद्देश्य यहाँ पर छिपे हुए हैं और लेकिन सबका का एंड रिजल्ट यही है सीखें साथ सीखेंगे साथ लर्न करेंगे एंड जो स्टडीज हैं वो हमारे लिए फन के समान होना चाहिए. तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के में हम देखेंगे न्यूरॉन्स को देखेंगे इन डिटेल जिसमें हम एक एक हिस्से को बड़े ध्यान से समझेंगे और उस पर हम आगे बात करेंगे. तो चलिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए. कमांडोज बिल्कुल सही बात है मेडिको कमांडोज आपको बोल सकते हैं. तो मेडिको कमांडोज डॉक्टर्स जो है आज सबसे बड़े जो है वो आप समझिए कि डॉक्टर्स जो है सबसे बड़े जो है वो योद्धा के रूप में उभरे हैं इस COVID-19 के चलते. हमने देखा हॉस्पिटल्स के अंदर जो है डॉक्टर्स जो है वो जो लोग जिनको बहुत रिक्वायरमेंट उनके लिए वो काम कर रहे हैं अपना खुद का जीवन ध्यान जो है वो दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं. तो सच्चे योद्धा तो डॉक्टर्स ही होते हैं. तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट.